अच्छा मल्हार जी, वैसे अब तो मैं ठीक हूँ ना? तो मैं ज़रा पार्लर हुआ हूँ, बहुत दिनों से पार्लर गई नहीं हूँ मैं। मेरे बाल, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है, और आज त्यौहार भी है ना, आज के दिन भी अगर फोटोज़ अच्छे नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो पार्लर जाकर आती हूँ मैं। अच्छा हाँ जा सकती हो, लेकिन अकेले नहीं। पवार को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखे। ठीक है। थैंक गॉड पवार काका साथ में है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं आराम से संपदा से मिलके आ सकती हूँ। एक मिनट कल्याणी, होली का गिफ्ट तुम्हारे लिए, अब मैं चाहता हूं कि तुम आज ये पहनो कल्याणी। कैसी है? वाह मल्हार जी, ये तो बहुत प्रिटी साड़ी है। अब पिंक तुम्हारा फेवरेट है ना? आई लव इट। अब इस साड़ी से मुझे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो या फिर संपदा की आत्मा वाली बात सिर्फ एक नाटक है। पवार, मुझे कल्याणी पे शक है। मुझे लगता है कि वो नाटक कर रही है कि उसको संपदा की आत्मा है। मैंने इसलिए उसके साड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी हड़बड़ी में वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। उसका ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में हो। जी जी सर। मल्हार जी, कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है ना साड़ी? अब साड़ी पहनने वाली और भी अच्छी लग रही है। मैंने पवार को बोल दिया है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। चलिए पवार काका, बाय मल्हार जी। बाय कल्याण। थैंक गॉड पवार काका के मल्हार जी ने मुझे आपके साथ भेज दिया, अगर वो खुद आ जाते तो उनको मैं संपदा से मिल ही नहीं पाती। वो तो है मैडम, लेकिन एक प्रॉब्लम है मैडम। क्या? मल्हार सर को आप पर शक होने लगा है। हाँ? कि संपदा के भूत की एक्टिंग कर रही हो आप। मल्हार सर ने खुद हमें बताया, आज ही बताया कि गॉड, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं। बेल्ट की मैंने इतनी आवाजें निकाली, चीखी चिल्लाई, लेकिन बेल्ट का निशान ही बनाना भूल गई। अब समझ में आ रहा है कि सुबह से मल्हार जी इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे साथ। लेकिन मैडम अब क्या करें, अभी आप संपदा से नहीं मिल सकती मैडम। नहीं नहीं पवार काका, मेरा संपदा से मिलना बहुत जरूरी है। आपकी साड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, मल्हार सर ने लगाया है, और अगर मल्हार सर को ये पता चल गया कि आप कहाँ गई थी, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं नहीं जानती, संपदा से तो मैं मिलकर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैडम सोचिए आप। मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई है, वो लाश किसी और की नहीं, उसी वॉचमैन हरी की थी। लेकिन अनुप्रिया, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाती तो फिर मैं एक अवनी हो सकती है जो चाहती ना हो कि हरी कोर्ट में आकर गवाही दे। तो इसका मतलब हरी की मौत के पीछे अवनी होगी। हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है इस केस से। मतलब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरी का फोन कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फोन मिलने के बाद भी कोई फायदा होगा। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हाँ, फोन मिलेगा, हमें वो फोन ढूंढना ही होगा। एक बात तो तय है कि अवनी के पास उसका फोन है, नहीं तो फिर उसे उसे हरी को मारने की जरूरत ही नहीं होती ना। फोन मिले या ना मिले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेबुनियाद बातें, सच्चाई का सामना करो अनुप्रिया। फोन मिल भी गया तो क्या, झूठी उम्मीदों का सहारा लेना बंद करो अनुप्रिया। अगर तुमने ये साबित कर भी दिया कि जिस वक्त मैं अवनी का शोषण कर रहा था उस वक्त मैं किसी और के साथ फोन पर बात कर रहा था, तो उसके आगे क्या? पूरा दिन तो फोन पर बात नहीं कर रहा हूँ ना,
उस पूरे दिन में सुबह शाम आगे पीछे किसी भी वक्त मैं अवनी के साथ वो रेप। मैं इस केस से उम्मीद खो चुका हूं अनुप्रिया, इसलिए समझा रहा हूं कि तुम एक केस छोड़ दो। मेरे लिए फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हार मान ली होगी, मैंने नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ये केस जीतना है और एक बात याद दिलाओ, मुझे ये केस लड़ना है और जीतना है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कल्याणी का केस लड़ना है। मोक्ष और कल्याणी के लिए मुझे ये केस जीतना है। तुम अगर ये बात मुझे याद नहीं बितलाती ना अनुप्रिया, तो ये बात भूला नहीं हूं मैं कि ये केस तुम मेरे लिए नहीं लड़ रही। पवार, ट्रैकर दिखा रहा है कि कल्याणी अभी भी सलोन में, नजर रखो उस पे, ऐसा ना हो कि किसी मुसीबत में फंस जाए। जी जी सर, सर मैं वहीं पे हूँ, बाहर ही हूँ सर। मल्हार को तुम पे शक होना, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। अरे बापरे, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे आई मुझसे मिलने? हाँ, तुम्हारी साड़ी पे तो ट्रैकर लगा हुआ है ना? नहीं संपदा, ये वो वाली साड़ी नहीं है। वो मैंने पार्लर में ना एक औरत को कन्विंस किया कि वो मुझसे साड़ी एक्सचेंज कर ले, और वो ट्रैकर वाली साड़ी पहनकर वहीं बैठी रहे ताकि मल्हार जी को मेरी लोकेशन पार्लर की दिखाए। और मल्हार जी को तो पता ही नहीं है ना कि पवार काका भी हमारे साथ इस प्लान में शामिल है। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें बिना बताए घर के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं घर के अंदर जाती और ना तुम्हें ये बेल्ट वाला नाटक करना पड़ता सिचुएशन संभालने के लिए। संपदा देखो, तुम खुद पे इल्जाम लगाना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम तो मेरी मदद कर रही थी ना ये पता लगाने में कि आखिर घर से कौन है जो अथर्व के साथ मिला हुआ है। कल्याणी, मुझे पक्का यकीन है कि अथर्व की मदद सार्थक काका कर रहे हैं। क्या? हाँ, मैंने उनके हाथ पे वो घाव देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है संपदा? काका कैसे हो सकते हैं? सार्थक काका अथर्व की मदद क्यों करेंगे? सार्थक काका मल्हार जी को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? ये क्या हुआ आपको? मामूली सी चोट है, लग गई होगी। नहीं कल्याणी, मैंने काका के हाथ पे वो घाव देखा है। और तुम्हें वो सिलबट्टे वाली बात याद है ना, जिसके ऊपर वो खून के निशान थे? लेकिन संपदा, तुम और मैं काका को जानते हैं। काका ऐसा कैसे कर सकते हैं? फोन था ना, अथर्व आपको क्यों फोन कर रहा है? अब मुझे कैसे पता हुआ कि अथर्व मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैंने तो फोन काट दिया, तो पता नहीं। अगर सच में काका अथर्व की मदद कर रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि अगर मल्हार ने काका को बोल दी कि उसे तुम पे शक है और ये बात जाके काका ने अथर्व को बता दी तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और अगर अथर्व को ये बात पता चल गई कि हम ये प्रेत आत्मा का नाटक करें तो क्या होगा कल्याणी? पता नहीं संपदा, पर मल्हार जी को कैसे यकीन दिलाऊं अब मैं कि मेरे अंदर वाकई तुम्हारी आत्मा आ गई है। ये जानने के साथ साथ कि हो सकता है कि काका अथर्व की मदद कर रहे हैं, पर जो भी है मल्हार जी को ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है। देखो तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, ये जो नाटक कर रही हो ना इसे जारी रखो। तुम जब भी मल्हार के साथ रहोगी तो यही प्रिटेंड करना कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है, और जितना हो सके मल्हार से दूर रहने की कोशिश करो प्लीज। अथर्व का फोन। हाय शफ़त काका,
बाल सफेद होके फिर काले डाई भी हो गए और आपके खून की गर्मी कम नहीं हुई है। आपको क्या लगा मेरे ऑफिस में आके तोड़ फोड़ करोगे, मेरे को मारने की कोशिश करोगे, मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करोगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा? आपने जो तमाशा किया है ना वो सारा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वैसे आप इतना भड़क क्यों रहे थे? क्या इसलिए क्योंकि मैंने माई का पहला केस इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि हो सकता है पहले केस के बाद ही उनके वकील का लाइसेंस रद्द हो जाए। लेकिन काका आप इतना भड़क क्यों गए थे? क्या इस वजह से क्योंकि अभी भी आपके दिल में माहे के लिए आग लगी हुई है? बस इसी बात का फायदा उठा के मैं वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा करा दूंगा और जज को लगेगा कि अब भी आप अपनी पहली बीवी से प्यार करते हो। और अगर ऐसा है तो दूसरी बीवी के साथ तो बुरा बर्ताव करते ही होगे। बस केस सॉल्व। आई चौपट। और उस मारामारी में आपके हाथ में चोट लग गई सोलह सोने पे सुहागा। अरे काका खुश हो जाओ, आपके डॉक्टर का बिल ना मेरे को भेज देना, मैं भर दूंगा। बाय। अनुप्रिया मेरी बात सुनो। अनुप्रिया आप यही चाहते हैं ना कि ये पहला केस में हार जाओ? क्यों गए थे आप अथर्व के ऑफिस उससे लड़ाई करने? ये केस आप मेरे लिए और मुश्किल क्यों करना चाहते हैं? शांति से बात करते हैं, ऑफिस पास में ही है, वहां बैठ जाते हैं, चलें। कैसे ऐसे चोट के साथ आप ड्राइव करने वाले? मैंने तुम्हें गाड़ी सिखाई थी ना, तुम गाड़ी क्यों नहीं चला लेती? आपसे जुड़ी हुई हर चीज मैं भूल चुकी हूँ। तो फिर ठीक है, यहाँ से कैब लेते हैं और चलते हैं, ठीक है? मुझे मेरी बेटी ने गाड़ी चलाना सिखाया है, आपका सिखाया हुआ सब भूल चुकी हूँ मैं। और ये मत समझिए कि मुझे आपकी चिंता हो रही है इसलिए मैं ड्राइव कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि हमें ऑफिस पहुंचकर इस केस पे जल्द से जल्द काम करना है। पता नहीं सर क्या हो गया, मुझे लगता है सर फिर से समता की आत्मा का काम है सर। सर ये पार्लर से बाहर निकली और अजीब सा बिहेव करने लगी सर। सर मैं आपको फोन करने ही वाला था, अचानक से बेहोश हो गई सर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं सर, तो मैं लेकर घर आ गया सर। लेकिन ये सारे टाइम सैलून में ही थी ना, क्योंकि ट्रैकर तो वही दिखा रहा है। हाँ सर, लेकिन सर पहले मैडम को अंदर लेके चलते हैं ना। थैंक यू पवार, तुम जाओ। ठीक है सर, कुछ हेल्प की जरूरत हो तो बताना सर। ठीक है। क्या लगा था तुम्हें तुम इस पवार को कल्याणी की रक्षा करने के लिए भेजोगे और कल्याणी बच जाएगी, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। मल्हार ये जो कल्याणी है ना, ये अपने शरीर में दो दो आत्माओं को लेकर इतना थक जाएगी ना कि खुद ही अपनी जान दे देगी, समझे? संपदा कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे वापस आने का। बैठो संपदा, बैठो ना। पता है कल्याणी, आप पता है संपदा, सच ये है कि
मैंने मिस किया तुम्हें। कल्याणी क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता। बच्ची है दिमाग से। एक तुम हो और एक मैं, दोनों एक जैसे। हमारी सोच, हमारी उम्र, सब एक जैसी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मल्हार जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी करने से मैं इरिटेट हो जाऊंगी और फिर गुस्से में आकर सब सच बोल दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अरे, अपने कॉलेज में मुझे बेस्ट एक्टिंग का प्राइज मिला है। मल्हार, पता है, मैं हमेशा से जानती थी कि एक ना एक दिन तुम इस कल्याणी से जरूर उब जाओगे। सच में? आखिर उस कल्याणी में और मुझ में कोई कंपैरिजन है? कहाँ कल्याणी और कहाँ तुम, सब पता। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कल्याणी। तुम शायद अब भी नाटक कर रही हो, लेकिन मैं भी सच का पता लगा के रहूंगा। बताया तुम्हें, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोच के रखा है। अभी आता हूं। अब ये तो मैं जानता हूं कि तुम्हें शराब पीना पसंद है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी पीने लगा हूं। कभी कभी छुप के, कल्याणी को नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम वापस आ गई हो तो क्यों ना आज एक 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 जाम हो जाए, एक एक ग्लास। ओहो, अब क्या करूं? मल्हार जी को यकीन दिलाने के लिए कि मैं संपदा हूं, क्या क्या मुझे शराब पीनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे वापस आने के जश्न में क्या हुआ? वो क्या है ना मल्हार, मुझे ऐसे बैठ कर बेड पे पीने की आदत नहीं है। मुझे एक्चुअली मजा ही नहीं है ऐसे पीने में, जो मजा झूमते हुए पीने में है, यू नो। ऑफ कोर्स आई नो। कोई फिक्र की बात नहीं है, नाच के पियो, गिर के पियो, तमाशा करके पियो, गिराओ, छलकाओ, बहुत शराब है हमारे पास। ओह गॉड, क्या बुरी तरह आकर फंसी हूँ। गुस्से में आकर मैं ये ड्रिंक फेंक भी नहीं सकती, क्या करूं? बॉटम यूज करने का मन है क्या? मल्हार, पढ़ने के बाद ना सिर्फ एक यही चीज है मैं सबसे ज्यादा मिस करती थी, और वो है ये ड्रिंक। थैंक यू मल्हार। मल्हार, सर आप दरवाजा तो बंद करके आओ, कहीं मोक्ष आ गया तो। मैं नहीं चाहती कि उस पे कोई भी बुरा असर पड़े, फिक्र है मुझे उसकी। हाँ हूँ मैं उसकी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी केयरिंग हो। काश ये सब मुझे पहले पता होता। थैंक यू संपदा, अगर तुम नहीं आती तो सच में आज पता नहीं शायद दारू ही पीने पड़ जाती।
यू। कर दिया दरवाजा बंद। अब चलो दरवाजा बंद कर दिया संपदा। ग्रेट, अब तो दरवाजा भी बंद हो गया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और तुम क्या मलहार, बस क्लास हाथ में लिए खड़े रहोगे क्या? पियो ना, चीयर्स। कितने दिन बाद पिया मैंने। और क्या स्ट्रांग ड्रिंक बनाई थी तुमने मलहार, मजा ही आ गया।